हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो भी वैकेंसी निकली हुई है NIELIT की, साइंटिस्ट के लिए और साइंटिफिक या फिर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो उन वैकेंसीज़ के बारे में बनाया गया है। इसका जो डिटेल जो आपका सिलेबस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक। साथ ही साथ जो आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है ऑफिशियल, उसका भी लिंक हम आपको नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वो चेक कर लीजिएगा एक बार। पहले इसके कुछ क्विक डिटेल्स है जो हम आपके साथ में शेयर करते हैं यहाँ पे, तो डिटेल्स एक बार देख लेते हैं कि पोस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली दो पोस्ट हैं। एक है आपकी साइंटिस्ट बी ग्रेड की और एक है आपकी साइंटिफिक या टेक्निकल असिस्टेंट, इसको बोलते हैं ग्रेड ए। तो ये दो पोस्ट बेसिकली यहाँ पे अभी निकाली हुई है, इन दोनों पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पे चल रहा है। लास्ट डेट अगर हम इसकी देखें तो ये है आपके 28 अगस्त। जितना जल्दी हो सके अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिल कर दीजिएगा। 28 अगस्त 2017 इसकी डेट है और शाम को 5:30 तक आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो SC ST PWD या फिर वुमेन कैंडिडेट के लिए, वीमेन कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए फ़ीस जो है वो नील है, मतलब आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने हैं यहाँ पे। आप डायरेक्टली अपना जो फॉर्म है वो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जनरल और बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं जैसे OBC हुआ या फिर जनरल कैटेगरीज हुआ, उनके लिए 800 रुपीज़ यहाँ पे फीस रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए जो आपका साइंटिस्ट वाला पोस्ट है उसके लिए आपका रिटर्न एग्जाम होगा। पहले रिटर्न एग्जाम जो है वो 120 मार्क्स का होगा, 120 उसके अंदर क्वेश्चन रहेंगे और फिर बाद में होगा आपका इंटरव्यू। लेकिन अगर हम साइंटिफिक या फिर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न एग्जाम देना है। अगर रिटर्न आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो इसका पे स्केल जो है वो काफ़ी अच्छा है। पे स्केल देखो, अगर हम साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए देखें तो यहाँ पे लेवल 10 है। जैसे ये जो पोस्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट है, तो यहाँ पे जो आपका पे स्केल है ग्रेड पे की अगर हम बात करें तो वो आपकी लेवल 10 सैलरी है। सैलरी अगर हम यहाँ पे देखें तो 56,100 रुपीज़ से 1,77,500 रुपीज़ ये आपकी सैलरी है। पोस्टिंग की देखो, अगर हम बात करें कि पोस्टिंग कहाँ पे होनी है, तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आपको पोस्टिंग मिल सकता है। कोई सी भी एक लोकेशन फिक्स नहीं है कि वहीं आपको पोस्टिंग मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं ये वाले, तो यहाँ पे आपको पोस्टिंग्स मिल सकता है। साइंटिफिक असिस्टेंट या टेक्निकल असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेवल 6 है आपका, और सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी आपकी 35,400 से लेके 1,12,400 रुपीज़ तक, तो ये आपकी सैलरी है। तो सैलरी की अगर हम देखें तो सैलरी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। टेक्निकल असिस्टेंट की भी जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न होगा। बात देखो अगर हम करें कि पेपर का पैटर्न कौन सा रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि पेपर का जो टाइप है या फिर जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस होंगे आपके गेट लेवल के। मतलब यहाँ पे जो 120 क्वेश्चंस हैं, एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर रहेंगे। वैकेंसीज़ टोटल कितनी डिक्लेयर की गई है तो ये दोनों डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। रिटर्न स्कीम की देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे। कंप्यूटर साइंस के वही सारे सब्जेक्ट्स हैं जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके गेट एग्जाम के अंदर रहते हैं, तो वो वाले सब्जेक्ट्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस उन पे रहेंगे 60 मार्क्स रहेंगे। 60 मतलब हर क्वेश्चन एक नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है, 0.25 जो होगा आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। बाकी के सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग यहाँ पे रहेगा। उसके बाद में क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव एबिलिटीज़ आपका रहेगा। जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट यहाँ पे रहेगा, एप्टीट्यूड वाला पार्ट यहाँ पे रहेगा। मतलब ये पूरे के पूरे अगर हम बोलें तो ये जनरल एरिया वाले पार्ट हैं जो यहाँ पर मैंशन किए गए हैं। मतलब आपका जो कोर सब्जेक्ट है वो तो कंप्यूटर साइंस रहेगा ही रहेगा, इसमें बाकी के सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके। इसके अंदर आपका कंपाइलर डिजाइन भी रहेगा, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन भी रहेगा, कंप्यूटर नेटवर्किंग है, DBMS है, उसके अलावा DLD है, डिजिटल एंड लॉजिक एंड डिजाइन। तो ये आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे और ये 60 मार्क्स के रहेंगे। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे कंबाइंड रहेंगे और ये भी आपके 16 मार्क्स के रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 120 रहेंगे और टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स है आपके वो भी 120 रहेंगे। देखो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो आपकी साइंटिस्ट वाली पोस्ट है उसके लिए टोटल नंबर ऑफ या फिर टोटल नंबर की बात करें या फिर मार्क्स की बात करें, ये दोनों के दोनों सिमिलर है दोनों वैकेंसीज के लिए। बस वहाँ पे आपको इंटरव्यू फेस करना होगा, लेकिन टेक्निकल असिस्टेंट या साइंटिफिक असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू फेस नहीं करना होगा, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न एग्जाम आपका रहेगा। मार्किंग की अगर हम बात करें तो जनरल के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हुए हैं 50%, OBC के लिए दिए हुए हैं 40% और SC ST के लिए दिए हुए हैं 30%। मतलब ये तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही लाने हैं।
तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कट ऑफ जो है वो इससे ज़्यादा ही जाएगी, नॉर्मल सी बात है। अब देखो वैकेंसीज अगर हम देखें तो वैकेंसीज है आपकी कैटेगरी वाइज हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरीज है उसके लिए 42 वैकेंसीज है ऑल ओवर इंडिया में। एससी की वैकेंसीज है 12, एसटी की है 6, ओबीसी की है 21, पीएच में अगर हम बात करें तो ओएच की 1 है और एचएच की 1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो आपकी 81 है। साइंटिफिक या फिर टेक्निकल जो आपका असिस्टेंट है उसकी अगर हम बात करें तो अनरिजर्व वैकेंसीज जो है वो है 133, एससी कैटेगरी के लिए है 38, एसटी कैटेगरी के लिए है 19, ओबीसी कैटेगरी के लिए है 69, पीएच और ओएच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 और 3 रेस्पेक्टिवली वैकेंसीज आपको यहाँ पे दी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो है 259। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपकी वैकेंसीज है ये वैकेंसीज स्टेट वाइज नहीं है, ये सेंट्रल वैकेंसीज है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो डिक्लेयर की गई है ये सारी की सारी वो वैकेंसीज है। तो ये तो है पूरा का पूरा बेसिक की एक क्विक डिटेल आपको यहाँ से मिल जाए। फॉर्म अगर आप फिल करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी की जो डिटेल्स हैं जैसे सिलेबस के रिगार्डिंग डिटेल्स हुई, तो सिलेबस यहाँ पे देखो डिस्कस हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि जो पूरा सिलेबस है वो आपका गेट लेवल का है। बाकी का जो मेंशन इसमें किया हुआ है कि मैथमेटिक्स भी आपकी रहेगी, तो वो मैथमेटिक्स वाला पार्ट और जो आपका कंप्यूटर साइंस वाला जो पार्ट है उसका पूरा का पूरा सिलेबस आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, और आपका डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप वो भी देख लीजिएगा एक बार से। बाकी अगर आपने चैनल अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हम लोगों ने IBPS SYET के लिए एक कोर्स अभी स्टार्ट किया है, तो वो कोर्स अगर आप उसमें एनरोल होना चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी जो है हमारा वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो मेल आईडी पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप कैसे उसमें एनरोल कर सकते हैं खुद को। ये वाला जो कोर्स है ये स्पेशली बनाया गया है आईटी ऑफिसर के लिए, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से बताइए, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहते हैं। फेसबुक पेज जो है हमारा वो आप लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम कुछ डिटेल शेयर करते रहते हैं, और कोई भी क्वेरी अगर हो आपकी तो आप हमें मेल करके पूछ सकते हैं या फिर फेसबुक पेज पे भी डायरेक्ट मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।